रहीम सुबह नूर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, हमेशा की तरह आज का इसमें मुबारक हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली की तालीफ़ इस्माउन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक सय्यदुना मुबारकुल आल, हमारे सरदार बाबरकत ख़ानदान वाले। दुरूद सलाम भेजिए अल्लाह आप पर और आपकी आले पाक पर और सहाबा इकराम पर। हज़रत उम्मे ऐमन रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा हसनैन करीमैन अलैहिमुस्सलाम को लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुई और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, इन दोनों शहज़ादों को यानी हसन और हुसैन को कुछ अता हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने इस बड़े शहज़ादे यानी हसन को अपनी हैबत तो बुर्दबारी अता की और इस छोटे शहज़ादे यानी हुसैन को अपनी मोहब्बत और रज़ा अता की। ये बहुत अहम रिवायत है जिससे आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। इस रिवायत को बयान करने वाली सैयदा उम्मे ऐमन, जिनको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी ज़िंदगी अपनी माँ का दर्जा देते रहे, और ये वो बाबरकत ख़ातून है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपने में अपनी वालिदा सैयदा आमिना के साथ यसरब, जो बाद में मदीनतुल मुनव्वरा बना, वहाँ अपने वालिद गिरामी की कब्र अथर पर हाज़िरी के बाद मक्का वापस लौट रही थीं, तो अबवा के मुकाम पर जब हज़रत आमिना का विसाल हुआ था तो ये बाबरकत ख़ातून उस वक्त साथ थीं और यही लेकर आपको मक्का मुकरमा में वापस अपने ददयाल और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की खिदमत में और ख़ानदान में हाज़िर हुई। सारी ज़िंदगी ये ख़ातून अज़मतों, इज़्ज़तों और बरकतों वाली यह ख़ातून अहल बैत अतहार की खिदमत में मसरूफ़ रहीं। और इस रिवायत से आप ये भी अंदाज़ा कर सकती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये बरकत और बाअज़मत ख़ातून सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा आपकी खिदमत में हाज़िर हुई। और ये रिवायत जो है, ये एक बल्कि सीरत निगारों ने इसको लिखा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का रोज़ था, आपकी हयात ज़ाहरी का वो आखिरी दिन था, जब सैयदतुन निसाए अहलिल जन्ना हज़रत फ़ातिमातुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा आपकी खिदमत में हाज़िर थीं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको ये मुजदा सुनाया कि फ़ातिमा, मैं दुनिया से जा रहा हूँ और मैं तेरा बेहतरीन पेश रो हूँगा और तू मेरे ख़ानदान में से, अहले बैत में से सबसे पहले मुझे मिलेगी। और फिर आपने हुक्म फरमाया कि मेरे बच्चों को मुझे मेरे सामने पेश करो। और जब हसन और हुसैन उस लम्हे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए थे, तो सीरत निगार लिखते हैं कि एक गिरिया और एक बुका, और यूँ लगता था कि जैसे दर दीवार उसमें शामिल हैं। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहल बैत अतहार और बिलखसूस हसनैन करीमैन के एहतराम और इज़्ज़त और मोहब्बत की उस मौका पर वसीयत की, और उस मौका पर आपने ये हुक्म भी फरमाया, जिसमें एक रिवायत ये भी है कि आपने फरमाया कि हसन को मैंने अपनी हैबत और सरदारी दी और हुसैन को मैंने अपनी जुरत और सखावत दी। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिर है इस नौयत की जितनी भी अमानतें थीं उनके वारिस यही अहल बैत अतहार थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अपने चचा, अपने वालिद, अपनी फूफी और अपने ख़ानवादे में से इनके साथ कोई फ़र्द और कोई ख़ानदान मुकाबला नहीं कर सकता कि ये हसन और हुसैन हैं, जिनके नाना ताजदार ख़त्मी मरतबत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और इनकी नानी मलिकतुल अरब खतीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा हैं। इनके दादा हज़रत अबू तालिब हैं और इनकी वालिदा फ़ातिमा बिनत असद हैं। ये वो फ़ातिमा बिनत असद, ये वो उलूल-ए-अज़्म हस्ती थी कि मदीना मुनव्वरा में जब इनका विसाल हुआ तो बकी के कब्रिस्तान में जब आपकी लाहत खोदी गई तो आपकी कब्र अथर के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद लेट गए हज़रत, और आपने कहा कि ए कब्र कुशादा हो जा, तेरे अंदर ये अली की माँ नहीं मुझ मोहम्मद की माँ रही है। हज़रत उमर साथ मौजूद थे, अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, इतनी शफ़क़तें, इतनी मोहब्बतें। आपने फरमाया, हाँ, जब दुनिया और मक्का वाले मुझ पर जुल्म और सितम करते थे तो ये ख़ातून मुझ पर अपनी मोहब्बतों का साइबान तान के रखती थी। और हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन, आपके मामू हज़रत कासिम, हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत इब्राहीम और आपके चचा हज़रत अकील और जाफ़र बिन तैयार, ये उलूल-ए-अज़्म और जलीलुल क़दर हवाले उस अजीम हस्ती के हैं जिनकी बारगाह में आज हम अपनी अक़ीदतों और आदतों और मोहब्बतों का खैरात पेश करेंगे, यानी नवासे रसूल हज़रत सैयदना इमाम हसनुल मुज्तबा सलामुल्लाह अलैहिस्सलाम रदियल्लाहु ताला अन्हु। आज हमेशा की तरह इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ बहुत मोतबर शख्सियात मौजूद हैं। मेरे पहले मेहमान पीर कमरुश्शकूर अहमद, इल्मी और दीनी हलकों की मुमताज़ और मोतबर शख्सियत, और हमारे दूसरे मेहमान डॉक्टर ताहिर हमीद तनौली, इकबालियात के माहिर हैं, खूबसूरत कहते हैं, खूबसूरत बोलते हैं। और हदिया मनकबत पेश करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद ज़ीशान मेमन। मैं अपने तमाम मेहमानों को खुश आमदेद कहते हुए, पीर साहब बहुत अहम आज का मजमून है और इस मजमून में मैं चाहूँगा कि इस मौजू के हवाले से फ़ज़ाइल पे भी बात हो, लेकिन बतौर ख़ास जो इमाम हसन का करैक्टर है, जो किरदार है कि आज इक़्तिदार की कशमकश है दुनिया के हर ख़ित्ते में और लोग इक़्तिदार के लिए वो सब कुछ कर गुज़रना चाहते हैं जो उसकी ताकत में हो, लेकिन शायद दुनिया के अंदर ये वाहिद मिसाल हो जिसने कौम और उम्मत और मिल्लत की फ़लाह के लिए इक़्तिदार को पाए हकारत से ठहराया। और आपने फरमाया कि कराहतु अन अक़्तुलहुम अला मुल्क, कि मैंने इस बात से नफ़रत की कि मैं अपने इक़्तिदार की खातिर अल्लाह लोगों का खून बहाऊँ। ये आपका उसवा है। इस उसवे के तनाजुर में आपकी तरबियत और आपकी ग्रोथ, यहाँ से हम बात शुरू करते हैं ताकि वो मंज़र और मज़हर हमारे सामने आए कि जिसके सबब हम ये जान सकें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में परवान चढ़ने वाले ये शहज़ादे महज आप किसी एक निस्बत के सबब ही फजीलतों वाले नहीं हैं, बल्कि इनका अमल भी ऐसा है जो क़यामत तक इंसानियत को रहनुमाई और रोशनी अता करता रहेगा। बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। जिस अज़ीमुल मर्तबत हस्ती की बारगाह में आज इज़हार अक़ीदत और नियाज़मंदी मकसूद है, उनका बहुत खूबसूरत और तफसीली तारुफ़ आपने करवाया। बिलाशुबा आप तजल्ली अनवार नबी हैं, सरदार औलाद अली हैं, सुभानल्लाह वली इब्ने वली हैं, सैयदुल अस्खिया हैं, राकिब दोशे मुस्तफ़ा हैं, सुभानल्लाह साहिब जूदो सखा हैं, रहनुमाए औलिया हैं, हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम। आपकी ज़ात मुबारक को अल्लाह ताला ने हुज़ूर सैयद दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात में से जो ख़ास एक हदीस मुबारक का आप हवाला दिया आपने कि वह हैबत और सरदारी जो थी वह आपको अल्लाह ताला ने अता फ़रमाई, और दूसरी शान रहमत से ख़ास फैज़ आपको हिल्म का अता फ़रमाया था, सुभानअल्लाह, जिसकी वजह से आपके मुअज़्ज़ज़ अलक़ाबात में एक लक़ब हलीम आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है कि आले मोहम्मद के हलीम तबा और इंसानियत के बेहतरीन गमगुसार शख्सियत हैं। अमीरुल मोमिनीन जो सवाल आपने पूछा, अमीरुल मोमिनीन हज़रत मौला अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम की जब 21 रमज़ान मुबारक 40 हिजरी को शहादत होती है तो उसके बाद लोग आपकी तरफ बढ़ते हैं और दीवानावार आपकी बैत करते हैं, और ये सिलसिला बैत बढ़ते बढ़ते 40,000 जान निसारों तक पहुंच जाता है जो आपके एक जुम्बश अबरू पर अपनी जानें क़ुरबान करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपके सामने हुजूर सैयद दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अज़ीम हदीस मुबारक मौजूद थी जिसमें आका अलैहिस्सलाम ने खिलाफत राशिदा की मुद्दत का तयन फरमाया था। खिलाफत राशिदा आका ने फरमाया था मेरे बाद 30 साल रहेगी, अल खिलाफतु बादी 30 सनतुन। बेशक हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने जैसे ही वो मुद्दत पूरी होती है 30 साल की, तो आप फ़ौरन खिलाफत से अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं, दस्तबरदार हो जाते हैं, क्योंकि अब ये खिलाफत राशिदा मलूकियत में बदल रही थी, इसलिए आपने अपने दामन को उस गुबार से आलूदा नहीं होने दिया, और जो आपकी हकीकी शान और हकीकी मनसब था आप अपने उस असल मुकाम की तरफ लौट आते हैं। रबीउल अव्वल 11 हिजरी जी और रबीउल अव्वल 41 हिजरी जी, यानी ये 30 साल पूरे हुए। मैं डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहूँगा बतौर ख़ास कि आपसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से पूछा इमाम हसन से किसी ने कि आप कोई बात बताइए, कहते कि मैं आप तिरमिज़ी ने रिवायत किया मैं साथ जा रहा था तो रास्ते में खजूरों का एक ढेर था, मैंने खजूर मुंह में डाल ली, आपने मुंह से खजूर उगलवाई, कख कख यानी यहाँ तक कि उसका एक ज़र्रा भी गले में ना रहने दिया। और आप ने फरमाया कि हम अहले बैत नबूवत हैं, ये सदक़े की खजूरें हैं। क्या उसलूब था तालीम व तरबियत का कि आप काशाना मुर्तज़ा में भी हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साए में भी आपकी ग्रोथ हो रही है, परवान चढ़ रहे हैं, और उससे आज क्या मॉडल आप पेश करते हैं उम्मत के लिए? जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जी। अहले बैत अतहार की जो वजूद हैं ये इतनी पाकीज़ा हस्तियाँ हैं कि ये हुज्जत हैं उम्मत के लिए दीन पे इस्तकामत की। यानी जिस अंदाज से अहले बैत अतहार की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत फरमाई, हसनैन करीमैन हैं, सैयदा कायनात ने तरबियत फरमाई, सैयद अली मुर्तज़ा ने तरबियत फरमाई, और फिर जिस अंदाज से उन्होंने उस तरबियत का अमली मुजाहरा किया सुभान अपनी ज़िंदगी में, आजमाइश की हर घड़ी में। असल बात यह है सुभान, यही वजह है कि आपसे इसमें शायद फरमाया कि जब तक मेरी उम्मत मेरे आले बैत के साथ जुड़ी रहेगी, हदीस का मफहूम हलाकत से दूर रहेगी, आपने शायद फरमाया कि मेरे आले बैत और कुरान इकट्ठे रहेंगे ता आन के ये मुझसे हौज़े कौसर पे आ मिले। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि कुरान हकीम को जब आप अमल में डालना चाहें तो आपके सामने नमूना आले बैत हैं। सुभान अल्लाह। और हैरानकुन बात डॉक्टर साहब ये है कि ये जामियत आले बैत अतहार की कि उम्मत जिस जिस भी बहरान से दो चार होगी उस बहरान का सामना करने के लिए आले बैत की हयात पाक से आपको उसवा मिलेगा। यानी ज़ाहिर है क़यामत तक इस उम्मत ने बीसों फितनों से दो चार होना है। वो सारे मामलात आप देखते हैं कि हमारे सामने खुलते चले जाते हैं। यानी बात आपने इक़्तिदार की कशमकश से शुरू की और इज्तमाही सतह पे दीनी अक़दार के गलबे की और दीनी अक़दार के निफाज की और उन पे अमल दरामद करने की बात की, तो आप देखें कि इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम का जो उसवा है वो क्या उसवा है कि जिस वक्त आपके पास थोड़ा सा भी इम्कान मौजूद हो कि अभी खैर के फ़रोग़ की कोई अपॉर्चुनिटी पैदा हो सकती है तो आपने यह रास्ता अख्तियार करना। वाह। जिस वक्त सारे इम्कानात मसदूद हो जाएं फिर हुसैन का रास्ता। वाह 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 वाह। इसलिए अल्लामा ने कहा ना आज यके शमे शबस्तान हरम हाफ़िज़े जमीयत खैरुल उम्म। वाह वाह वाह। यानी ये शान है इमाम एक ने इक़्तिदार छोड़कर उम्मत को फलाह का रास्ता दिखाया और एक ने इक़्तिदार को चैलेंज करके दुनिया को, बल्कि जब दीन खतरे में हो तो फिर उसके लिए हर किस्म की कुर्बानी देने से बिलाशुबा। डॉक्टर साहब इसको आप यूँ भी कह सकते हैं कि एक हस्ती वो हैं जिन्होंने जब इक़्तिदार पे फायज शख्सियात में खैर का इम्कान देखा तो उसको फ़रोग़ पज़ीर होने का रास्ता दिया, और एक वो हस्ती हैं जिन्होंने जब ये देखा कि हर तरह से शर ही पनप रहा है तो फिर आप ने दूसरा रास्ता अख्तियार किया। और इस मौका पर जाहिर है जैसा कि आपने फरमाया कि मैंने तफरके पर अमन को तरजीह दी, बिलाशुबा मैंने खून रेजी की बजाय आफियत का रास्ता इख्तियार किया और मैंने नार की बजाय आर, और आप पर इल्ज़ाम तराशियाँ हुई बहुत ज़्यादा। डॉक्टर साहब आप देखें इल्ज़ाम तराशियों का दरवाज़ा उस वक्त बंद हो जाता है अगर आप इमाम पाक के पूरी स्ट्रेटजी को देखें। जब खिलाफत आपके पास आई और आगे चल के जब कशमकश का रास्ता निकला तो आपके जो हमराही थे उन्होंने भी बड़ी हद तक इस पर नागवारी का इजहार किया। इसका मतलब यह है कि जो पब्लिक विल है इमाम पाक ने उसको भी ऑनर किया। दूसरी बात यह है कि जिस वक्त आपकी बैत की जा रही थी, जो बैत करते करते 40,000 तक अफराद जा पहुँचे, तो आपने एक जुमला इरशाद फरमाया था, आप लोग मेरी बैत कर रहे हो, अगर मैं किसी मौके पे सुलह करना चाहूँ तो आपने मेरे साथ सुलह करनी होगी, और अगर किसी मौके पे मुझे जंग करनी पड़े तो आपने मेरे साथ जंग करनी होगी। और वो फरमान शायद हर वक्त आपके जहन में रहता होगा जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्ना इब्नी हाजा सैयद युस्लिह बैन फ़ियतैन मिनल मुस्लिमीन। डॉक्टर साहब ये जो चीज़ है साफ ज़ाहिर है ये सारी बातें तो आले बैत अतहार के खून में थी। वाह। यानी इमाम हसन का उम्मत की जमीयत को महफूज रखने का किरदार और इमाम हुसैन की शहादत, ये मदीने की गलियों में इतनी मारूफ हकीकत थी कि शायद इससे बड़ी हकीकत अहले मदीना की ज़ुबान पे कोई और ना। तो ये चीज़ें तो उनके एक शऊर की और उनकी तरबियत का हिस्सा थी, लेकिन किस बात ने किस मौके पे ज़हूर पजीर होना है आप देखें कि ये आपकी बसीरत, आपका विजन और आपकी मुस्तकबिल की जो सूरत गरी है उस पर नज़र का ये आलम था कि पहले दिन से आपने अपने साथ चलने वाले जो आपका जो काफ़िला था उसको ये बात बता दी। इससे ये भी नतीजा निकला कि जब बैत की जा रही थी तो मतम नज़र ताज तख्त न था, मतम नज़र उम्मत की फलाह थी। डॉक्टर साहब, मैं आप ही से ये बात पूछ सकता हूँ शायद, और किसी से ये बात नाजुक भी है कि इससे पहले खिलाफत के इनेकाद की रिवायत तो थी, लेकिन रिज़ाइन किए जाने का रास्ता मौजूद नहीं था। डॉक्टर साहब, मैंने एक जुमला रख लिया, और इससे पहले एक बहुत बहुत बड़े बहरान से उम्मत गुजर भी चुकी थी, और आपने अपनी अबकरियत से, बिल्कुल आप एक जीनियस थे और आप उलुल अज़्म हस्ती थे, आपने एक वो रास्ता दिखाया कि जब मामलात ऐसे हो जाएं तो फिर आफियत के और रुखसत के और जो बेहतरी के रास्ते और भी तलाशे जा सकते, एक्सप्लोर किए जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। जैसे हमने अपनी शुरू में गुजारशात में अर्ज़ किया कि जो चैलेंजेस दरपेश होने हैं, ज़रूरी नहीं है कि उन चैलेंजेस का प्रोटोटाइप आपके सामने उस दौर के अंदर मौजूद हो। ज़ाहिर जैसे जैसे इस्लामी रियासत, इस्लामी तहजीब ने आगे तोसी पजीर होना था, तो नए से नए चैलेंजेस ने सामने आना था। अब अगर आप अच्छा, इसको पैटर्न आप पीछे खिलाफत रास्ता में भी देख सकते हैं। पहली बात यह है कि आप सल्लम के बाद जब खिलाफत रास्ता का आगाज़ हुआ, तो आपने नहीं इरशाद फरमाया किसने खलीफा कैसे बनना है, इसको आपने उम्मत के शऊर पे छोड़ दिया, क्योंकि और आपको ये यकीन था कि मैंने जिन लोगों की तरबियत की है वो इस रास्ते में कहीं। असल बात यह है कि आपने जिस अंदाज से लोगों को तैयार कर दिया, आपने उम्मत के शऊर पे एतमाद फरमाया। दूसरी बात डॉक्टर साहब, ये चारों खुलफा नए से नए तरीके से मुंतखब हुआ। देखें, एक जनरल जो था इलेक्शन था सैयदना अबू बकर सिद्दीक का, एक नॉमिनेशन थी, नॉमिनेशन फारूक थी, नॉमिनेशन है, रेफरेंडम है, इलेक्शन उसके बाद इलेक्टोरल कॉलेज था उस्मान गनी, जो भी दुनिया के अंदर मुरवई तरीके हैं वो सारे अपनाए। अच्छा, अब आगे जाके जो बहरान पैदा होने थे वो इनके अलावा थे। उनके दो रास्ते इमाम हसन और इमाम हुसैन ने दे दिए। सुभान अल्लाह, सुभान। पीर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा, डॉक्टर साहब बड़ी दायरा फिक्री बातें होती हैं और ये इन्हीं का खास और इन्हीं से सुननी है। आपसे हम कुछ मोहब्बत वाली वो बातें भी सुनेंगे कि जो इस घर के अंदर की ख़ास बातें। दीवार जुड़ी हुई है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे के साथ, सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हुजरे की, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते जाते गुजरते इन बच्चों को देखते हैं, ये वो रोते हैं तो आवाज़ इन तक पहुँचती है, वो कोई ख्वाहिश करते हैं तो आवाज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों तक पहुँचती है। और फिर आप लोगों से मैंने ये भी सुना कि ये घर जो था शादी के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली मुर्तज़ा ने जो लिया वो ज़रा दूर था जी। और फिर आपने ख़ुद ख्वाहिश की कि मेरा दिल चाहता है कि फ़ातिमा का घर, अली का घर मेरे घर के साथ हो। हारिसा बिन नुमान अंसारी एक सहाबी हैं, उनका ये क़िताए राज़ी था जो इस वक्त बिल्कुल हुजरा फ़ातिमा तो उन्होंने पेश किया, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर बहुत खुश हुए। और इन्नहु मिन समानीन, ये उन 80 लोगों में से हैं, इसकी बिशारत भी दी, इसकी तफसील का यहाँ वक्त नहीं है। तो ये क्या माहौल था और किस तरह ये आपकी जब विलादत हुई आप घर तशरीफ़ लाए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मेरे बेटे को दिखाओ, हज़रत अली से पूछा इसका नाम क्या रखा है, उन्होंने कहा हरब है, आप तो फरमाया नहीं ये हरब नहीं है, ये तो हसन है। जनाब, हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की इस हवाला से जो अवलियात और ख़ुसूसियात हैं जो उनके लिए ही ख़ास हैं, उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आपका नाम मुबारक पहली मरतबा बजरिया वही अर्श से आया। वाह 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 वाह, ये आपकी अवलियात में ख़ुसूसियात में से है। और फिर उसके बाद दूसरी बात ये है कि इस दुनिया में आते ही सबसे पहले लुआब दाहने रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ज़ुबान अक़दस को चूसना, हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की ख़ुसूसियत है। और फिर आपकी अवलियात में से ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप अगर तशरीफ़ न लाते तो उम्मत को कभी भी अपने बच्चों के अकीक़े करने का सलीका और सुन्नत अता ना होती। ये हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को क्रेडिट जाता है। यानी उस सोसाइटी के अंदर तो इन चीज़ों का तसव्वुर नहीं था, और आप बहुत सी हमें रिवायात मिलती हैं कि आपने हज़रत इमाम हसन को, इमाम हुसैन को उठाया हुआ था, बद्दू नागवारी का इजहार करते जी जी कि ये आप इस तरह बच्चों को किस तरह लेके कैसे प्यार कर रहे हैं, और बिलखुसूस बच्चों को गोद में उठाना उस सोसाइटी के अंदर, ये तो बड़ा ऐब जाना जाता था। उनके बोसे लेना, उनको चूमना, मतलब ये, और आप सूंघते थे उन्हें, और मर्दानगी के खिलाफ अरब समझते थे इस बात को कि बच्चों के साथ इतना प्यार, उनको चूमना। तो आका अलैहिस्सलाम ने ये एक बद्दू ने इस पे अर्ज़ भी किया, कहा भी, एतराज़ भी किया, तो आपने फरमाया, उसने कहा मैंने तो अपने बच्चों को कभी नहीं चूमा, कभी प्यार नहीं किया। आपने फरमाया अगर तेरा दिल सख्त है तो हम क्या कर सकते हैं, अल्लाह ने हमें तो इनकी मोहब्बत अता की है। और ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की एक बहुत बड़ी मिसाल है। दुनिया के अंदर शायद कोई किसी नवासे को अपने नाने की इससे बढ़कर मोहब्बत मुयसर ही ना आई हो। और इससे आगे फिर जिस आगोश मादर में आप तशरीफ़ लाते हैं, वो पाक बीबी खुद इस आगोश में परवरिश पाती हैं। वो मुस्लिमा अव्वल की आगोश है जिन्होंने सबसे पहले तस्दीक नबूवत का एजाज़ हासिल किया, और इसमें उनका कोई दूसरा शरीक नहीं है, कोई सानी नहीं है। हज़रत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का कोई उम्मत में किसी और को ये एजाज़ हासिल नहीं, सबसे पहली तस्दीक नबूवत करने का एजाज़ उन्हें हासिल है। हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की जिस खूबसूरत अंदाज़ में परवरिश की और जिस खूबसूरत अंदाज़ में तरबियत की, उसमें एक बात यह है कि आप हज़रत इमाम हसन मुज्तबा जब कुछ बड़े हुए और चलकर मस्जिद नबवी में आप जाने के काबिल हुए ज़ाहरी एतबार से, तो जनाब सैयदा ने उन्हें फरमाया, तरबियत का ये पहलू ज़रा देखें, समझें, और इसमें हमारे लिए बहुत से सबक मौजूद हैं। आपने फरमाया कि बाबा जान, नाना जान जब तलावत वही की फरमाएं तो वो पूरी की पूरी सुना करो और आकर मुझे सुनाया करो। सुनाचे जो वही नाजिल होती, हुजूर अलैहिस्सलाम उस वही की तलावत सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान के दरमियान तलावत फरमाते उस वही को, तो वो यानी पीर साहब मैं बात अब ये समझूँ कि वही उतरते देखी बेशक और दीन को ग्रो होते देखा, कोई शक नहीं, और इस्लामी रियासत की तश्कील होते देखी, क्या कहने। और जब ये सारे नक्शे सामने हों तो फिर ये हस्तियाँ दीन में कजी और बिगाड़ किस तरह बर्दाश्त कर सकती थी। यानी इस माहौल में जो तामीर शख्सियत उनकी हो रही थी, जो कैरेक्टर बिल्डअप हो रहा था, वो यही था कि उसवा रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर जगह कामिल व अकमल बनाकर पेश करना है और साबित करना है कि हमने किस आगोश में परवरिश पाई। और आपने फरमाया कि मैंने पाँचों नमाजें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी। जी बेशक। अच्छा, ये एक तो है मोहब्बत के पैराए हैं, लेकिन एक है मार्क है को बातिल के जब मुबाहला के लिए निकले बेशक, तो बच्चे थे, इनको यानी साथ ना भी ले जाते तो क्या है, लेकिन इस मैदान में साथ रख के दुनिया को भी यह पैगाम दिया और उनके जहन में ये चीज़ भी रासिख कर दी कि अगर दीन के हवाले से कोई बड़े से बड़ा मरहला भी आए तो फिर उसके लिए मैदान अमल में निकलने से गुरेज नहीं करना। जी, दो पहलू इसके मैं अर्ज़ करना चाहूँगा। आपने जो जिस तरफ इशारा किया, पहली बात यह है कि मुबाहला के लिए जो आने वाले हैं उनके लिए हम चूँकि मुबाहला पे तो गुफ्तगू नहीं कर रहे, सिर्फ वो इशारा मैं देना चाहता हूँ। फनाजल लानत अल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पर लानत करना थी, ये मकसूद था। तो ये इसके मुतरादिफ अगर हम जाएँगे तो ये बात सामने आएगी कि जो उस वक्त लानत करने के लिए जा रहे थे वो सिद्क़ व सफ़ा की मेराज पर थे और सादिकीन के सरदार थे। वाह वाह जी, काज़िबीन पर जो लानत करनी थी तो सादिकीन के सरदार थे, वो सादिकीन में आला मुकाम रखने वाली शख्सियात थे। और हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की इसमें सबसे जो खुसूसियत मुबाहला में नज़र आती है वो ये है कि आप वो शख्सियत हैं जो इतनी कम सिनी में अपने कदमों पर चलकर, वाह वाह वाह, इतनी कम सिनी में अपने कदमों पे चल के तौहीद बारी ताला के गवाह बन के जा, अल्लाह ताला की वहदानियत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और इस्लाम की सदाकत की गवाही देने के लिए अपने नाना के साथ, अपने बाबा के साथ और अपनी माँ के साथ मैदान अव्वल में उतरे। मैंने डॉक्टर साहब आपसे ये भी जानना है कि असल कारनामा इस खान वादे का क्या है कि हम अपनी अक़ीदतें और आदतें निछावर करते हैं, और एक बच्चा भी अगर इस ख़ानदान का हमारे सामने आ जाता है, हमारी नज़रें झुक जाती हैं, गर्दनें खम खा जाती हैं। तो असल जो हकीकत है, जो ख़ानदान की, इस ख़ानदान की जो असल मीरास है और जो असल कारनामा है वो क्या, मैं आपसे जानूंगा। यहाँ कॉलर हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी तारिक साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब 92 की पूरी टीम को अल्लाह अपने सम्मान में रखे, आमीन आमीन। जी सर, सवाल मेरा ये है कि अहले बैत अतहार पर सदका वाजिब नहीं, देना नहीं चाहिए। अहले बैत अतहार, जी ठीक है जी जनाब। अहले बैत अतहार सदका नहीं खा सकते, क्या पूछना चाहते हैं, क्यों, इसकी वजह क्या है? ये पीर साहब से हम जानेंगे। सदका वैसे माल का चूँकि मैल होता है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खानवादा है, ये इसकी जो पाकीज़गी है, इसकी जो प्योरिटी है, उस अमर का तकाजा करती है कि इनकी खिदमत में माल का मैल नहीं, इनको हदिया पेश किया जाए। और इसीलिए ये पीर साहब जब बैठते हैं ना अपनी मसनद पर तो लोग इनको हदिया पेश करते हैं, लेकिन इसकी कोई और तोजी जो है वो भी पीर साहब से हम जानेंगे। हमारे साथ एक और कॉलर है जी, अब्दुल सत्तार साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, डॉक्टर साहब मुबारक हो, बहुत बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं आप। जी मेहरबानी। ये तो इसमें जो खैर वो है, जिन हस्तियों का जिक्र कर रहे हैं उनके खैर जिक्र की बरकतों से ये सारी खैर सारे इस प्रोग्राम का बहुत दीवाना। कजाजी साहब चलो छुट्टी ले गए थे, बड़ी मेहरबानी। वो इंशाल्लाह सवाल फरमाइएगा। सवाल भी सुनो सर, अपना नंबर मैंने जरूर देना। मेरा नंबर यही है जो आज जिस पर आप बात कर रहे हैं। जी नहीं, अपना पर्सनल नंबर देना, मैं आपसे बात जरूरी कर लूँ। जी मेहरबानी, सवाल कीजिए। या सवाल यही है आपका? सिर्फ सवाल मेरा ये है सर, मुज्तबा अलैहिस्सलाम कितनी देर हुकूमत की, कितनी देर हुकूमत की? और आपने अगर पीर साहब की बात इब्तिदा में सुनी हो तो वो हज़रत अली मुर्तज़ा की शहादत हुई है 21 रमज़ान या 20 रमज़ान 40 हिजरी को, और आपकी शहादत के बाद आपकी दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के चंद लम्हों पहले दुनिया और वो जो अहबाब और असहाब थे आपके, वो आपकी खिदमत में हाज़िर हुए और उन्होंने अर्ज़ की कि आप अपने बेटे को नॉमिनेट कर दें। तो आपने फरमाया मैं वो काम नहीं कर सकता जो मेरे रसूल ने जाते हुए नहीं किया, मैं तुम्हें उसी तरह छोड़ के जा रहा हूँ, अपनी उम्मत को उसी तरह आपको छोड़ के जा रहा हूँ जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ा। मैं ना तुम्हें उसको खलीफा बनाने की नसीहत करता हूँ और ना तुम्हें रोकता हूँ, तुम इस मामले में आज़ाद हो। चुनाचे हज़रत अली मुर्तज़ा के दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद एक आज़ादाना माहौल में हज़रत इमाम हसनुल मुज्तबा का इंतखाब हुआ और आप 5वें खलीफा राशिद थे। और तकरीबन 6 माह का ये अरसा है, जैसे पीर साहब ने फरमाया रबीउल अव्वल 41 हिजरी, ये 30 साल पूरे होते हैं अल-खिलाफत बादी 30 सनतन। लेकिन इस पर मज़ीद बात अगर पीर साहब फरमाना चाहेंगे तो उनसे भी हम रहनुमाई लेंगे। एक और कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मुजफ्फ़र साहब आपको खुश आमदेद। वालेकुम अस्सलाम। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा, बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आपको भी क्या बात, रजा उस चमनिस्तान करम की जहरा है कली जिसकी हुसैन और हसन फूल। हाँ जी जनाब, सवाल मेरा ये है, 2 सवाल है मेरे जनाब, 2 फरमाएं। सवाल तो ये है कि अब इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला का आपका आपस में हुस्न सलूक। आहा सुभान अल्लाह। दूसरा सवाल ये है कि अपना कुर्बानी में अकीक़े का हिस्सा डाल सकते हैं? कुर्बानी में, जी कुर्बानी में अकीक़े का हिस्सा डाल सकते हैं, मेरे ख्याल में डाला जा सकता है, लेकिन पीर साहब आज मुफ्ती हैं, वही पूछेंगे। महमूदुल हसन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी महमूदुल हसन आबिद साहब, जनाब खुश साहब को, ताहिर तनोली साहब के कदम को छूते हुए, आपके कदमों को छूते हुए मैंने 25 कताअत लिखे इमाम हसन अलैहिस्सलाम की अकीदत में। एक कताअत पेश कर रहा हूँ, अगर हसन से अकीदत नहीं तो याद रहे, वाह वाह, इबादतों का तुझे क्या शऊर आएगा, वाह सुभान अल्लाह। अगर हसन से अकीदत नहीं तो याद रहे, इबादतों का तुझे क्या शऊर आएगा, अगर हसन की मवद्दत तू दिल में रखेगा, बरोज़े हाश्र भी चेहरे पे नूर आएगा। वाह वाह वाह। और ये जो आपने मुअद्दत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इसके मुख्तलिफ मानी है और कुरान ने भी मुअद्दत का ही लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि मेरी अहले बैत से और मेरे जो अकरबा हैं उनसे मुअद्दत करना। हमारे एक बुज़ुर्ग कहा करते थे मोहब्बत और मुअद्दत जो है इसमें फ़र्क है। मोहब्बत वो है कि अब बेटे को बाप से मोहब्बत है और बाप अगर दुनिया से चला जाए तो वो उसके गम में निढाल तो होता है लेकिन उसके साथ ख़ुद दुनिया से नहीं जाता, ये मोहब्बत है। इसी तरह बाप को बेटे से मोहब्बत है, बेटे के चले जाने से बाप गमगीन होता है लेकिन वो ख़ुद अपनी जान उसके साथ हलकान नहीं करता। लेकिन मुअद्दत कहते हैं कि मछली जो है इसको पानी से मोहब्बत नहीं मुअद्दत है, यानी अगर आप पानी से मछली को जुदा कर दें तो फिर मछली जो है वो ज़िंदा नहीं रहती। अहले बैत अतहार के साथ उम्मत का जो ताल्लुक़ उस मुद्दत का है कि अगर उम्मत से अहले बैत की मोहब्बत अलग हो जाए तो फिर उसका सरवाइव करना, उसका ज़िंदा रहना, उसकी बका, उसके तकाजे निभाने मुश्किल हो जाते हैं। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक में आप नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम के हदिये और अपनी अक़ीदतों और मोहब्बतों के खराज पेश करेंगे। दुरूद हासिल हमें वो लज्जत इश्क रसूल हो। डॉक्टर ज़फ़र इकबाल नूरी के इस शेर के साथ सुबह नूर में आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद। ब्रेक पे जाने से कबल बहुत से सवालात और दामाने बागमा से कफ़े गुल फ़िरोज़ तक बिखरे हुए हैं, सैकड़ों उनवा मेरे लिए वक्त बहुत मुख्तसर है। आप अपनी इसी गुफ्तगू में कि जिसमें हम उस अजीम खान वादे और फिर उनके घर के माहौल और तालीम व तरबियत और आपस की मोहब्बत आमेजियों का जिक्र कर रहे हैं, ख़तीब तो फिर अपने जलौ में उन सारी चीज़ों को लपेट लेता है और वो सारे सवाल जिसमें अहले बैत पर सदका है और हसन और हुसैन का आपस में हुस्न सलूक है, कुर्बानी में अकीका हिस्सा हो सकता है वगैरह वगैरह। जनाब, सूरह अहज़ाब की जब आया तत्हीर नाजिल हुई तो हुजूर रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चारों नफूस क़ुदसिया को हज़रत मौला अली मुर्तज़ा, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा, हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को साथ लिया और बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में अर्ज़ किया, अल्लाहुम्मा हाउला या अहले बैती फाज़िब अनहुमुर रिज्सा व ताहिरहुम तत्हीरा। सुभान अल्लाह, ये मेरी अहले बैत है, इन तो इनसे रिज्स को दूर फरमा, इन्हें खूब पाक साफ रख। सुभान अल्लाह, वो सबब है जिस वजह से सदका अहले बैत नबुव्वत पर हराम है, क्योंकि आप कह चुके हैं, फरमा चुके हैं आप भाई, वो सदका जो है वो माल का मैल होता है और ये पाकीज़ा तरीन हस्तियाँ हैं, इसलिए मैल की तरफ नहीं आ सकता। दूसरी बात ये कि जो आपस में मोहब्बत है, जब रिज्स से ये हस्तियाँ पाक हैं तो कीना, बुग़्ज़, हसद, ये जो इंसानी मिजाज की खामियाँ हैं, इनसे भी ये हस्तियाँ पाक हैं। इंसानी मिजाज में तो नखवत, तकब्बुर, गुरूर और इक़्तिदार, ये उसकी सबसे बड़ी तलब और चाहत है। और जब हज़रत इमाम हसन ने इक़्तिदार छोड़ा तो किसी ने सवाल किया तो आपने फरमाया कि तुझे तो पता ही नहीं है कि जब अभी दुनिया के अंदर हुकूमत, इख्तदार और इख्तदार के जाविये ढले ही नहीं थे तो उस वक्त अल्लाह ताला ने सूरत नाज़िल की थी, इन्ना आतईना कल कौसर। सहाबा से आपने पूछा तुझे पता है कौसर क्या है? सुभान अल्लाह। तो सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह आप फरमाइए कौसर क्या है? फरमाया ये हसन और हुसैन कौसर। सुभान अल्लाह जी, तफसीर अव्वल है हज़रत इमाम हसन मुर्तज़ा सूरह की। सुभान अल्लाह। तो ये बात बिलाशुबा जब इंसानी मिजाज की ये खामियां जो हैं ये नहीं होंगी, तहारत और पाकीज़गी होगी, तो दोनों भाइयों के दरमियान इख्तदार में, हम तारीख़ में अगर देखें तो दो भाई कभी भी मिलकर इख्तदार जो है उसमें निभा नहीं सके, जबकि ये हस्तियाँ अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्ना, जन्नती जवानों के सरदार हैं और आपस में निस्फ सदी के दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई एक दूसरे के साथ नाराज़गी नहीं है, बल्कि एक दूसरे पर जान निसार करते और हैं। और ये भी तारीख़ में है कि हज़रत इमाम हसन दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो उस दौर का जो इख्तियार और इक़्तिदार था उसमें जब कजी वाक़या होती तो आप उन चीज़ों पर रद्द अमल देना चाहते लेकिन कहते कि मेरे भाई ने एक एग्रीमेंट किया हुआ है, मैं उसका पाबंद हूँ, अगरचे ये चीज़ें गलत होने जा रही हैं, लेकिन मेरे भाई ने जिन खतूत का तयन किया है मैं उनसे सरे मुँह भी नहीं रहा। ज़ाहिरी हयात में भी उनका एहतराम और बाद शहादत भी उनका एहतराम, यानी ये है तहारत, ये मिजाज का कमाल है और ये इफ़्फ़त पाक दामनी है। इसकी वजह से ये मिसाली शख्सियात कायनात में हमें कोई और घर ऐसा नज़र नहीं आता जहाँ इस तरह का हुस्न जो है वो नज़र आए हमें। आला इंसानी सिफ़ात के हवाले से ये बहुत अज़मत वाली शान है और बहुत अज़मत है अल्लाह ताला ने जो आपको अता फरमाई। अली के चाँद शहादत था मरहला तेरा, दो तीन शेर हैं। अली के चाँद शहादत था मरहला तेरा, खुदा की याद हमेशा था मशगला तेरा, तेरे जमाल पे अजलाल जुल जलाल की ज़ौ, चला है नूर नबूवत से सिलसिला तेरा, प्यासा था पिया था जहर के मायूस हो ना दुश्मन भी, पिया था जहर के मायूस हो ना दुश्मन भी, हलीम आले मोहम्मद, ये हौसला तेरा। वाह 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 वाह। अकीके का बता दीजिए कि कुर्बानी के अंदर अकीके का हिस्सा ये अकीका हो सकता है, लेकिन नीयत कुर्बानी की अलग होगी, नीयत अलग अलग होगी। तो नौली साहब बड़ी बातें हैं, और हज़रत इमाम हसन का जो उसवा है वो इमरानी और सियासी हवाले से आपका जो एक किरदार है और आपने जो खतूत वज़ा की है उससे बहुत बड़ी रोशनी मिलती है। और फिर मैं ये भी आपसे रहनुमाई लेते हुए आपकी खिदमत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि आना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबूहा, और फिर आपने जिस हदीस का हवाला दिया कि मैं तुम में किताबुल्लाह व इतरती दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। और इमाम कस्तलानी ने कहा कि क़यामत तक आने वालों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फरमान के ज़रिए ये इंदिया दे दिया कि अगर दुनिया के अंदर उरूज, इर्तिका, बुलंदी और पेशवाई इल्म के ज़रिए है तो फिर तुम्हें इस खान वादे के साथ अपना नाता, ताल्लुक़ और रिश्ता मजबूत करना होगा। क्या फजीलतें हैं जो हर नाना और दादा अपने खान वादों को दे देता है, या क्या वाक़तन दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ इस्लाम फैला है, लाहौर में सैयद अली बिन उस्मान अल हजवेरी हूँ, अजमेर में सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती हूँ, बगदाद में पीरान पीर शेख सैयद पीर अब्दुल कादिर जिलानी हूँ, दुनिया का कोई ख़िता क्या तलब और तड़प थी जो इनको हर करिया में, हर कूचे में, हर जगह लिए फिरती थी। और दीन को इन्होंने किस तरह महफूज किया, दीन को उतरते देखा, उसको महफूज किया, और फिर अपना ये बुनियादी ज़िम्मा और अपनी एक ज़िम्मेदारी महसूस कर ली कि इसको उसी स्पिरिट, जज्बे और हैसियत और सेहत के साथ आइंदा नस्लों तक पहुंचाना है। जनाब जी डॉक्टर साहब बिल्कुल ऐसा ही है कि आले बैत अतहार ख़ुद अपने उसवा के ज़रिए से, जैसे हम बात कर चुके, दीन का एक अमली नमूना उम्मत के सामने मौजूद रहे, अमली नमूने के तौर पे, ताकि उम्मत जब भी दीन के ऊपर इस्तिकामत का रास्ता चुनना चाहे तो उसका रास्ता ये। वाह वाह डॉक्टर साहब, जो आले बैत अतहार हैं ख़ुसूसन हसनैन करीमैन, वो कुरान हकीम की ज़ुबान से नहीं अपनी ज़ात से तफसीर हैं, अपनी ज़ात के ज़रिए तफसीर है। अभी सूरह कौसर का जिक्र हुआ, जब कुफ़ार मक्का ने आप सल्लम के बारे में इस तरह का प्रोपेगेंडा शुरू किया, फिर चंद दिनों की बात है माशाल्लाह इनकी औलाद ही कोई नहीं है, तो बाद में किसने तस्करा करना, ये सारा मामला इस तरह ही ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह कौसर उतारी। डॉक्टर साहब उस सूरह कौसर का अमली इजहार इमाम हसन है, जहाँ से आगाज़ हुआ, सुभान ठीक, फिर आगे इमाम हुसैन, तो आगाज़ वहाँ से हुआ। और आज आप देखें कि दुनिया का कोई खित्ता सादात से खाली नहीं। सुभान अल्लाह, जो ये बात कहते थे वो कहाँ है? हाँ, ये जो बात है ना, जो कि दुनिया का कोई खित्ता सादात से खाली नहीं, क्या अकीदतें इरादतें समेटने के लिए या उन्होंने अजीमत के रास्ते पे इख्तियार किए और फिर वो दुनिया में आए? डॉक्टर साहब यही हुआ, अब उन सादात ने फिर उसी चीज़ को आगे बढ़ाया। वाह अच्छा, अब जो बात कह रहे थे इन्ना शान अका वल अबतर, जैसे कुरान मजीद ने कहा, उनके अबतरी का ये आलम है, वो हैं कहाँ, उनका नाम और निशान तक ख़त्म हो गया। वाह, जो आप सिस्टम के खिलाफ इस तरह की बातें कर रहे थे। जैसे अली हजवेर का जिक्र हुआ, आपने जब आले बैत अतहार का जिक्र शुरू किया कश्फ अलमाजूब में, तो बात ही यहाँ से शुरू की कि बिल इजमा और बिला इख्तिलाफ ये वो नफूस कुदसियाँ हैं जो इस आसमान के नीचे तमाम अहल रूहानियत और अहल इल्म हिकमत के इमाम हैं। सुभान अल्लाह। और हज़रत दाता साहब का कलम जो है वो अक़ीदतों और मोहब्बतों से सरशार हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह करते हुए जिस अंदाज से उन्होंने आले बैत अतहार की शान को बयान किया है, तो उसका सबब ये है कि आले बैत अतहार और इमाम हसन, इमाम हुसैन, इनकी हर अदा से अल्लाह के रसूल की सीरत और अल्लाह की किताब की हिकमत फूटती थी। उनके कहने की ज़रूरत ही नहीं थी, उनकी ज़ुबान से कहने की नौबत ही नहीं आती थी, उनका हर अमल इसकी तायद और तस्दीक होता था। और ज़िंदगी के ज़ाहिर व बातिन को कुरान हकीम से हम आहंग किस तरह करना है और कुरान हकीम की हिकमत के फैज़ान तक कैसे पहुँचाना है। आप देखें, एक साइल आपकी बारगाह में आया और आके उसने अर्ज़ की कि इमाम पाक, मेरा मसला यह है कि मेरी औलाद नहीं है, मुझे नरीना औलाद की ख्वाहिश है, तो मेरे लिए दुआ फरमाइए। आप हमें तुम इस्तग़फ़ार पढ़ा करो। बाद में कोई शख्स आया, उसने कहा हज़रत गरीबी बड़ी है, गुरबत बड़ी है, तंगदस्ती है, तो आप मेरे लिए दुआ फरमाएँ। फरमाया तुम इस्तग़फ़ार पढ़ा करो। एक और शख्स आ गया, उसने कहा हुज़ूर मेरी ज़रात के जो मामलात हैं बड़े मुख्तल हैं, बड़ी बेबरकती है और मेरी ज़रात तबाह हो रही है। फरमाया इस्तग़फ़ार पढ़ा करो। अच्छा, इत्फाक़न आपकी मजलिस में एक शख्स बैठा था, उसने कहा हुज़ूर एक मुख्तलिफ़ मौक़े पर लोग आए तो आप हर दफ़ा एक ही बात बता रहे हैं। आपने फरमाया तुमने शायद कुरान नहीं पढ़ा। तो आपने सूरह नूह की आयत मुबारक तलावत फरमाई, फ़कुल तो इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अन्हारा। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तीनों बातों को इस्तग़फ़ार से मुताल्लिक़ करके इस आयत मुबारक में बयान कर दिया। तो जिस अंदाज से कुरान हकीम की हिकमत अहले बैत पे मुनकशिफ थी वो उम्मत तक इन्हीं के ज़रिए से पहुँचनी थी। ये डॉक्टर साहब आपने बहुत अहम बात की है और ये आज मैं समझता हूँ कि ये जो आज आपने इस्तग़फ़ार वाली बात की है ये तो मैं अपने नाज़रीन को बतौर ख़ास दरख्वास्त करूँगा कि इसको नोट करें कि हमारी जहाँ भी कहीं बेबरकती है वो दरअसल अपने रब के साथ जो एक ताल्लुक़ है उसकी कमज़ोरी का बायस है। और फिर ये इस्तग़फ़ार जो है जिस तरह आज डॉक्टर साहब ने हज़रत इमाम हसन के हवाले से हमें बताया कि जो भी साइल आया उसको आपने तलकीन की, इसको हमें अपनी अमली ज़िंदगी में अपनाना चाहिए, नाफिज़ करना चाहिए। बहुत सवाल थे बेशुमार दिल में, लेकिन ज़ाहिर है सफ़ीना चाहिए इस बहर बेकरां के लिए। हज़रत इमाम हसनुल मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी शख्सियत जो है, आपके बहुत से वस्फ़ और बहुत से कमालात थे। आप बहुत ज़्यादा इबादत गुजार थे, पैदल हज किए और कोई जो साइल है वो आपके दर से खाली नहीं जाता था। तहज्जुद और फजर के बाद चाश तक आप मस्जिद नबवी में बैठते थे। और फिर उसके बाद उम्महातुल मोमिनीन उनकी ख्वाहिश थी कि हसनुल मुज्तबा फिर मस्जिद नबवी से निकले तो उनके हुजरों का चक्कर लगाया करें। आप घरों में तशरीफ़ लाते थे, अपनी उन बरगुजीदा हस्तियों को सलाम पेश किया करते थे और फिर कुछ वक्त गुजारने के बाद आप दोबारा मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते थे। आप मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ अपने मेहमानों का, पीर कमरुश्शकूर अहमद साहब का, डॉक्टर ताहिर हमीद तनौली साहब का और मरकबत बेली हाफिज़ मोहम्मद जीशान मेमन साहब उनका पेशगी शुक्रिया अदा करते हुए। आज का जो सवाल है कि सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम की कुल उम्र मुबारक कितनी थी, और कल का जो सवाल था उसका जवाब हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ का ताल्लुक़ खुरासान से था और जिन खुश नसीब हजरात ने उसका जवाब दिया है उनमें मोहम्मद हसन सईदी, अली अदीब, हाफिज़ किफ़ायतुल्ला, खादिम फ़रीद, मोहम्मद हसीब, ग़ुलाम मुहीउद्दीन, मोहम्मद कामरान, मोहम्मद सईद ताहिर, शब्बीर अहमद महरीन, डॉक्टर नबील रज़ा अकबर ख़ान। और जो आज का जो सूरह कौसर की खासियत, किताब शिफा, सूरह कौसर की खासियत, सूरह कौसर का हम तज़किरा करते हैं। जिस शख्स की औलाद ज़िंदा ना रहती हो और वो 41 दिन तक बिला नागा नमाज फजर के बाद 700 मरतबा सूरह कौसर पढ़े, इंशाल्लाह उसकी औलाद ज़िंदा रहेगी। इस अमल के दौरान, इस वजीफ़े के दौरान सदका जो है उसका अमल भी जारी रखिए। अमीरुल मोमिनीन बाब मदीनतुल इल्म वल हिकमत वल हुदा हज़रत इल्म मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का कौल मुबारक, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत को मजबूती से थामे रखो कि अल्लाह के यहाँ तुम्हारे महबूब होने का यही सबसे बेहतरीन ज़रिया है। 92 न्यूज़ आपका अपना, इसको पढ़िए। और इसका एक ख़ास सफ़ा जो बिलखसूस मैं समझता हूँ कि अहल बैत अतहार से मोहब्बत करने वालों के लिए होता है, उसमें आज आप बतौर ख़ास हज़रत इमाम हसनुल मुज्तबा अलैहिस्सलाम उनके तज़किरे से अपने कुलूब व अज़हान को मुज़य्यन करेंगे। अपने मेहमानों के शुक्रिया के साथ हाफिज़ मोहम्मद जीशान मेमन साहब आपसे दरख्वास्त हुई। ये मेमन साहब की बात से मैं सिर्फ़ एक लम्हे के लिए कि दुनिया नात का एक बहुत बड़ा नाम अलहाज मोहम्मद यूसुफ़ मेमन जो बिलखसूस अहल बैत अतहार की मोहब्बत से सरशार थे, वो दुनिया से रुखसत हो गए। हम ताज़ियत करते हैं उनके दर्जात की बुलंदी की, दुआ करते हैं। अलहाज यूसुफ़ मेमन साहब अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। और आज हमारे साथ हैं हाफिज़ मोहम्मद जीशान मेमन, आपसे दरख्वास्त है कि मनकबत का नजराना पेश करें। ख़ोरेज़ी से उम्मत को बचाया है हसन ने, ख़ोरेज़ी से उम्मत को बचाया है हसन ने, तफरीक के शोलों को बुझाया है हसन ने, वाह वाह वाह, बुझाया है हसन ने। खुरेजी से उम्मत को बचाया है हसन ने, को बचाया गे हसन ने। तफरीक के शोलों को बुझाया गे हसन ने, तफरीक के शोलों को बुझाया गे हसन ने, बुझाया गे हसन ने। मजबूती से अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने, माशाअल्लाह। मजबूती से अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो, पैगाम खुदा सबको बताया गे हसन ने, पैगाम खुदा सबको बताया गे हसन ने। तफरीक के शोलों को बुझाया है हसन ने, बुझाया है हसन ने। दुनिया की हकूमत को तो ठोकर में गिरा का, दुनिया की हकूमत को तो ठोकर में गिरा का, सोते हुए जहनों को जगाया गे हसन ने, सोते हुए जहनों को जगाया गे हसन ने। तफरीक के शोलों को बुझाया गे हसन ने।